सर्दियों में गर्मा गर्म पराठे खाने का मज़ा ही अलग है। तो आज हम बनाएंगे मेथी के बहुत ही खस्ता पराठे, बिल्कुल अलग तरीके से। आपको खाकर मज़ा आ जाएगा। तो चलिए आज की रेसिपी शुरू करते हैं। मैं शिखा, मेरे चैनल शिखा रेसिपी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेथी के पराठे बनाने के लिए यहाँ मैंने 250 ग्राम मेथी ली है। इसे अच्छे से 2 से 3 बार धोकर बिल्कुल सुखा लिया था और इसके बाद हमने इसे बारीक बारीक काट लिया है। तो अब यहाँ हम एक पैन लेंगे, इसमें 1 छोटी चम्मच घी डालेंगे। घी को हल्का सा गर्म होने पर इसमें कटी हुई मेथी डाल देंगे और इसे 3 से 4 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर भूनेंगे ताकि इसमें मेथी का मॉइस्चर भी कम हो जाएगा, साथ ही मेथी का कड़वापन भी दूर हो जाएगा। आप घी की जगह ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं। वैसे तो हम मेथी को कट करके आटे में गूंथ के पराठे बनाते हैं, लेकिन आप इस तरीके से पराठे बनाएंगे तो पराठे बहुत ही टेस्टी और खस्ता बनेंगे। तो यहाँ मेथी को हमने 3 से 4 मिनट पका लिया है। गैस की फ्लेम ऑफ कर देंगे और मेथी को पूरी तरह से ठंडा होने देंगे। तो जब तक मेथी ठंडी होती है हम यहाँ आटा गूंथ लेंगे। तो यहाँ मैंने 1.5 कप गेहूँ का आटा लिया है। साथ में इसमें हम डालेंगे 2 छोटी चम्मच बेसन। बेसन से पराठे बहुत ही टेस्टी और खस्ता बनते हैं, बेसन को बिल्कुल भी स्किप ना करें। साथ ही इसमें डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक, 1/2 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, इससे पराठों का कलर बहुत ही अच्छा आता है, 1/2 चम्मच गरम मसाला पाउडर और 1/2 चम्मच यहाँ पर भुना हुआ जीरा पाउडर। साथ ही इसमें बारीक किसा हुआ अदरक और बारीक कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे। 1/2 चम्मच यहाँ पर बारीक कुटी हुई सौंफ डालेंगे। सौंफ ज़रूर डालें, इसका बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है। 1/2 चम्मच अजवाइन को हाथों से अच्छे से क्रश करके डालेंगे। अब इसमें हम मेथी डाल देंगे, ये पूरी तरह से ठंडी हो चुकी है। और साथ ही इसमें हम बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे। सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। साथ ही इसमें हम 2 चम्मच दही डालेंगे। दही ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए। दही की जगह आप फ्रेश मलाई का भी यूज़ कर सकते हैं, पर दही से पराठों का टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो एक बार आप इस तरह से ज़रूर ट्राई करें। दही को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका हम सेमी सॉफ्ट डो लगा लेंगे। जैसा हम पूरी का डो लगाते हैं बिल्कुल वैसा ही डो लगाना है, ना तो ज़्यादा नरम और ना बहुत ज़्यादा टाइट। तो यहाँ हमारा आटा लगकर तैयार है। थोड़ा सा घी लगाकर इसे हम चिकना कर लेंगे और अब इसे करीबन 20 से 25 मिनट का रेस्ट देंगे। तो लगभग 25 मिनट हो चुके हैं, आटा अच्छे से सेट हो गया है। इसे एक बार अच्छे से नीट करके स्मूथ कर लेंगे और अब इसके हम पेड़े तैयार करेंगे। तो यहाँ हम थोड़े बड़े साइज़ के पेड़े तैयार कर लेंगे और अब पेड़ों को हम अच्छे से सूखे आटे में डस्ट कर लेंगे और अब इसके हम पराठे बेलेंगे। तो पराठे पतले या मोटे बेलना टोटली आपके ऊपर है। वैसे पराठे थोड़े मोटे ही अच्छे लगते हैं। थोड़ा सा बेलने के बाद इसमें घी लगाएंगे और इस तरह से फोल्ड करके इसको राउंड सी लोई बना लेंगे और अब इसे हम राउंड शेप में बेल लेंगे। आप चाहें तो यहाँ ट्राइंगल या स्क्वायर किसी भी शेप में बना सकते हैं, जैसे आप पसंद करें। पराठे को सूखा आटा लगाकर बेल लेंगे। तो यहाँ हमारा पराठा बनकर रेडी है। बाकी के सब पराठे भी हम इसी तरह से बना लेंगे। तो पराठे को हम गर्म तवे पर सेकने के लिए डालेंगे। गैस की फ्लेम मीडियम रखेंगे और मीडियम फ्लेम पर ही हम पराठों को सेकेंगे। एक तरफ सेकने के बाद इसे पलट लेंगे और दूसरी साइड से भी इसे सेक लेंगे। जब पराठा दोनों साइड से हल्का हल्का सिक जाएगा, इसके बाद हम इस पर घी लगाएंगे। आप घी की जगह ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं। एक साइड अच्छे से सेकने के बाद इसे हम पलट लेंगे और दूसरी साइड में भी हम घी लगा लेंगे और इसे दोनों साइड घी लगाकर अच्छा गोल्डन ब्राउन कलर आने तक सेक लेंगे। साइड से इसे प्रेस करते हुए सेकेंगे, दोनों तरफ से इसे अच्छे से पलटकर सेक लेंगे। इस तरह से पराठे बनाएंगे तो बहुत ही टेस्टी बनते हैं और सर्दियों में तो मेथी खाने के बहुत ही फायदे होते हैं। तो ये हमारे खस्ता मेथी के पराठे बनकर तैयार है। इसे गर्मा गर्म ही टमाटर की चटनी के साथ और दही के साथ सर्व करें। रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं
और रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। मिलते हैं अगली बार फिर एक नई और आसान सी रेसिपी के साथ। थैंक यू।